लेकिन उसके सामने हमारे बहुत ही मोहतबर आरिफ जमाली साहब का नाम ना लिया जाए तो मेरे लिए कमजोरी की बात होगी। खुदा की कसम इस उम्र में अगर अल्लाह ने इसे फन एक हुनर से नवाजा है तो हम सब की यह जिम्मेदारी बनती है कि इसकी कदर करें। यह अल्लाह का दिया हुआ दिया है। दोस्तों छोटा था लेकिन एक बात यह है कि इसके सामने एक वाकया पेश आया। शादी हो गई है, शादी से पहले इनकी वाइफ जो दूसरी थी यानी जिससे पहले शादी होने वाली थी वो शादी क्यों उससे नहीं हुई, बात यह हुई कि जो इनसे मोहब्बत थी बहुत ज्यादा टूट के वो चाह रही थी। आरिफ जमाली साहब भी चाह रहे थे, दोनों के घर वाले चाह रहे थे रिश्ता जुड़ जाए। आरिफ जमाली साहब चाह रहे थे मैं निकाह सुन्नत रसूल के हवाले से निकाह करके उसे अपने घर लाऊं, लेकिन जैसे बड़े होने लगे और जब दाढ़ी इन्होंने रख लिया तो वो लड़की जो है इससे दूर होने लगी। अब आरिफ जमाली साहब को समझ में आ गया कि वो लगता है कि दाढ़ी की वजह से दूर हो रही है। तो आरिफ जमाली साहब ने उसे फोन घुमाया और कहा सुन बबर शेर जो होता है उसके चेहरे पे दाढ़ी होती है, दाढ़ी हाँ, और शेरनी उसी को पसंद करती है जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो। आरिफ जमाली ने कहा मैं भी शानदार हूँ, सुन अगर दाढ़ी की वजह से तुम उससे दूर हो रही है तो मैं भी शेर हूँ शेर, और मुझसे मैं अपने घर के माद में बकरियों को ला नहीं सकता, मुझसे शादी वही करेगी जो शेरनी होगी और बकरियां बुजदिल पैदा करती हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में कोई बुजदिल आए और मेरी जिंदगी तबाह हो। तो ये हैं आरिफ जमाली साहब। और इस खतरनाक माहौल में मैं खूबसूरत शायर के हवाले से कोपागंज की सरजमीन से एक आवाज में आवाज मिलाकर हमारे नशिश्त में इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने वाला एक खूबसूरत तरन्नुम और लहजे का शायर जनाबे बिला तमहीद मैं जनाबे फुजैल मारूफी से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत अशार खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत तरन्नुम के जरिए से इस महफिल के वकार में इजाफा करें। और बिला तमहीद मैं चार मिसरे हाजिर करना चाहता हूँ सदर बवाकार की इजाजत चाहते हुए। मेरे चचा सईद अहमद साहब भी तशरीफ रखते हैं, मेरा दोस्त कोपागंज से तशरीफ लाया ताहिर असरार ये भी तशरीफ रखता है। सबकी दुआएं चाहते हुए चार मिसरे हाजिर करता हूं। तारिक उमर साहब यूट्यूब चैनल हुज़ैफ़ा जदी मेरे सामने मौजूद है, इंशाल्लाह पूरी दुनिया को कल से ये दिखाना शुरू कर देंगे, इनकी भी दुआएं चाहते हुए हाजिर करता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाए। कि मेरे सरकार अगर अच्छा लग जाए तो दुआएं दे दीजिएगा। अब्दुल रकीब पेश करता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाए। कि मेरे सरकार को यूं बहे रे सफर जाना है, मेरे सरकार मेरे सरकार को यूं बहे रे सफर जाना है, मेरे सरकार को यूं बहे रे सफर जाना है। आसमानों की हर एक हद से गुजर जाना है, आसमानों की हर एक हद से गुजर जाना है, मेरे सरकार। और इस शेर में खुसूसी आप हजरात की तवज्जो बतौर खास मुलाजा फरमाए। हसरत अली साहब तशरीफ रखते हैं, बड़ा प्यारा शेर हाजिर करता हूँ। अकमल भाई तवज्जो से सुनिएगा, इंशाल्लाह आप मेरा कलाम तवज्जो से सुन लेंगे, मेरा आना उसूल हो जाएगा। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। कि मेरे सरकार अच्छा कैसे तेरा, अनवर भाई सुनिएगा, कि जा कैसे तेरा पे ये आका से कहेंगे जिब्राइल, जा कैसे तेरा पे ये आका से कहेंगे जिब्राइल, जाके से तेरा जाके से तेरा ये आका से कहेंगे जिब्राइल,
आका से कहेंगे जिब्रील आपे आपे जा यही मुझे को ठहर जाना है आपे जा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चार मिसरे और हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहजा फरमाए जी। एक मतला दो शेर हाजिर करता हूँ अकमल भाई, बतौर खास मुलाहजा फरमाए, सुनिएगा कि ए बादे सबाले चल मुझे को। मैं सऊदी जाने वाला हूँ, वहाँ आका का दयार वहीं पे है, इसलिए मैं ये मतला हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहजा फरमाए कि ए बादे सबाले चल मुझे को दरबारे मदीना जाना है। ए बादे सबाले चल मुझे को, ए बादे सबाले चल मुझे को दरबारे मदीना जाना है। अब सब्र गवारा दिल को नहीं, लबरे से मेरा पे माना है। अब सब्र गवारा दिल को नहीं, लबरे से मेरा पे माना है। ए बादे सबाले चल मुझे को। और ये बड़ा प्यारा शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहजा फरमाए कि काश मेरी सूरत होते कुछ ऐसी मेरी सी रत होती, यो काश मेरी सूरत होती, यो काश मेरी सूरत होते कुछ ऐसी मेरी सी रत होती, जो देखता मुझको कह देता सरकार का ये दीवाना है। जो देखता मुझको कह देता सरकार का ये दीवाना है। ए बादे सबाले चल मुझे को। और जाते जाते एक मुखड़ा और चंद बंद हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहजा फरमाए, पेश करता हूँ अकमल भाई एक मुखड़ा और चंद बंद हाजिर करके मैं अपनी नशिस्त लेता हूँ बतौर खास मुलाहजा फरमाए कि आका है हमारा। जरा एक बार बोल दे सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। कि आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, जो सबसे अलग है, जो सबसे अलग, सबसे हंसी, सबसे है प्यारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, कहते हैं जिसे हा, कहते हैं जिसे आमे नबी का दुलारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा।
पहला बंदा हाजिर करता हूँ, इन्हीं मोहब्बतों के साथ मुलाजा फरमाए कि आका है हमारा सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे, उंगली के इशारे से करे चांद को टुकड़े, उंगली के इशारे से करे चांद को टुकड़े, डूबे हुए सूरज को जो बुलवावे दोबारा, आका है हमारा मौला है हमारा, आका है हमारा मौला है हमारा। और ये बड़ा प्यारा बंद हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाए कि खुद फाका किया उसने मगर सबको खिलाया, खुद फाका किया उसने मगर सबको खिलाया, बेवाओं यतीमों को कलेजे से लगाया, एक दूध के प्याले में ही 70 को पिलाया, एक दूध के प्याले में ही 70 को पिलाया, जो राह से भटके थे उन्हें रब से मिलाया, आका है हमारा मौला है हमारा, आका है हमारा मौला है हमारा। और इस नाते पाक का मक्ता हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाए तारिक उमर साहब मक्ते का बंद बतौर खास मुलाजा फरमाए कि आका है हमारा मौला है हमारा, क्या मांगू भला बे मैं नईम अपने खुदा से, क्या मांगू भला अब मैं नईम अपने खुदा से, मैं नात नबी पढ़ने लगा उसकी आता से, सब कुछ ये मिला सरवरे आलम की दुआ से, सब कुछ ये मिला सरवरे आलम की दुआ से, रोशन किया जिसने ये मुकद्दर का सितारा, आका है हमारा मौला है हमारा, आका है हमारा मौला है हमारा। अस्सलामु अलैकुम।